देखो महाराष्ट्र में आके भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र जी मोदी और अमित जी शाह जिस प्रकार शिवसेना को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो बौखला गए, शिवसेना को वो डर गए, शिवसेना से वो डरे हुए, शिवसेना को नकली सेना कहना, फिर असली सेना इनके पास है क्या? जिन्होंने 50-50 कोटे देके विधायकों को उनके साथ लिया है वो असली शिवसेना, जिन्होंने 7,000 करोड़ का भ्रष्टाचार राष्ट्रवादी के अजीत दादा पे लगाया था वो अब असली राष्ट्रवादी बन गई है। अरे महाराष्ट्र का अवमान करने जा रही है दो नेता, और बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के हसास के सुन रहे हैं। लेकिन हम समझते जिस प्रकार उद्धव जी को टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब उद्धव जी एक मजबूती से महाराष्ट्र में इस भारतीय जनता पार्टी के हुकुमशाही के खिलाफ खड़े हुए हैं, और खड़े होते हुए सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो देश में ये लड़ाई खड़ी हो गई है, इसका नेतृत्व तो उद्धव जी करने जा रहे हैं, और इसलिए बौखलाया जैसी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र नेता ही महाराष्ट्र में आके करे। लेकिन ये महाराष्ट्र है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है, डॉक्टर महात्मा फुले जी का ये महाराष्ट्र है। ये मजबूती से ऐसी शक्ति का मुकाबला किया, जो जो दिल्ली से है उसको महाराष्ट्र ने अच्छी तरह वापस भेजा है, इनको भी वापस भेजिए। जिस तरह आपने कहा है कि जितने भी सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं उन पर बीजेपी कार्यालय लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। अभी इलेक्शन चालू है ना, तो मैं तो वही आंदोलन कर देता था, इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई के ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी की शाखा बोल के फलक लगाना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं।